नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट फ्यूचर्स। अगर मार्केट्स देखेंगे आज पूरा ही दिन जो ट्रेडिंग हुई है वो नेगेटिव बायस के साथ ज्यादा हुई है। निचले स्तरों पे खरीदारी थोड़ी कम हो रही है, मार्केट्स पे साफ तौर पे प्रॉफिट बुकिंग अब विजिबल है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बिकवाली नहीं। 25 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे है, हायर एंड से ज्यादा टूटे हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी अगर आप क्यूज लेने की कोशिश करेंगे एशियन मार्केट से तो वो थोड़े कमजोरी के ही थे। उसी तर्ज पे आज मार्केट्स पे इंडियन मार्केट्स पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 10,415 का ये मौजूदा स्तर, अब 10,400 का लेवल फोकस में है। आज इंपॉर्टेंट ये है कि 10,400 और 10,500 दोनों ही कॉल्स बिकी हैं मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया निफ्टी पे 4% का। हाँ, और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी, एक बार वो फ्यूचर्स दिखाइए निफ्टी बैंक के क्या कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ठीक थी, सरकारी बैंकिंग में ज्यादा तेजी थी, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग है। 100 पॉइंट्स की गिरावट हो चुकी है निफ्टी बैंक पे एक्सपायरी के दिन, 8% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो आज की बिकवाली में सेक्टर्स टूट रहे हैं उसमें मेटल्स हैं, बैंकिंग मैंने अभी कहा कि हायर बैंड प्रॉफिट बुकिंग हो गई, लेकिन जो तेजी पकड़ी है आज मार्केट्स में उसमें फार्मा, आईटी, एनबीएफसी, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आज तेजी ज्यादा देखने को मिल रही है। निफ्टी के अगर गेनर्स देखेंगे तो तमाम स्टॉक फार्मा के दिखाई देंगे आपको, डिफेंसिव बाइंग है। नितिन मुरारका साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप नितिन जी नमस्कार, सबसे पहले तो मार्केट्स पे अप्रोच बताएं, ये प्रॉफिट बुकिंग दोबारा खरीदारी के लिए यूज करनी चाहिए या फिर अब प्रॉफिट बुकिंग का, रियल प्रॉफिट बुकिंग का समय हो गया जिनके पास भी तेजी की पोजीशंस बनी हो? देखिए, ओवरऑल एक्सपायरी का डेटा देखिएगा रजत तो वो पॉजिटिव है, बट जैसे रेसिस्टेंस के पास से थोड़ी बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आई है, और इस प्रॉफिट बुकिंग में आज देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट का एडिशन है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट मुझे लगता है कि 10,350, 10,360 ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो नहीं टूटना चाहिए, बट करंट लेवल से 20-25 पॉइंट का और करेक्शन हमें मिल सकता है। तो ये जो डिप आता है, अगर यहाँ से सपोज कीजिए आपको निफ्टी 10,380 के आसपास स्पॉट लेवल मिलता है तो वहाँ पे एक बार बाय अटेम्प्ट लेना चाहिए। 10,350-60 का स्टॉप लॉस होगा, यानी 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, और मुझे लगता है कि वापस अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा जिससे मार्केट 10,500 की तरफ मूव कर सकता है। और निफ्टी बैंक पे भी नजरिया दें, आज वीकली एक्सपायरी है, कहाँ तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं सर? देखिए, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट के आसपास की रैली बनने के बाद ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर्स बहुत तेजी से एक्टिव हुए हैं, और उन्होंने 25,400 तक की कॉल आज बेच दी है, और 25,500-600 में भी काफ़ी एग्रेसिवली राइटिंग हुई है। इनफैक्ट 25,600 की जो पुट ऑप्शन है उसमें कुछ बाइंग हुई है जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, तो वो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सपायरी आएगी आज वो करीब करीब 25,400-25,500 की रेंज में आनी चाहिए, यानी थोड़ी वीक एक्सपायरी होगी, क्योंकि जो ये ऊपर से दबाव आया ये बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग के कारण आया है। तो जो एक्सपायरी है वो 25,400 के आसपास, 25,450 इसी रेंज में कहीं हो सकती है। अच्छा नितिन जी, एक स्टॉक पे राय दें सर, ये इंडो काउंट में एकदम से क्या हुआ? 8% की गिरावट है प्रॉफिट बुकिंग, अब 6% स्पॉट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर अब जो लेवल्स आ रहे हैं ना वो 110 के जोन्स के आ रहे हैं। ये बिकवाली पिछले कुछ 10-15 मिनटों में ही देखने को मिली है ज्यादा एग्रेसिव मोड पे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आता है स्टॉक का? देखिए, इंडो काउंट इसके सपोर्ट एरिया करीब 105 है, 102 है, तो अभी फिलहाल जैसे गिरावट आ रही है तो थोड़ा वेट करना चाहिए, बट नीचे जो सपोर्ट एरिया निकलता है वो 105 से लेके 102 के आसपास का निकलता है, बाइंग अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अजीत मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े हैं रेलिगेयर सिक्योरिटीज से। अजीत जी नमस्कार, बाजार पे आपकी राय क्या है और कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं क्लोजली सर? शुक्रिया रजत। रजत देखिए, बाजार में कल के सेशन के बाद एक मार्जिनल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है हायर लेवल्स पे। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं करंट लेवल्स के अराउंड पे ही सपोर्ट है जो यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा ग्रेजुअली मूव करवाएगा दोबारा से ऊपर। अच्छा, तो इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देख रहा हूँ, बिकॉज अगर इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एक चैनल फॉर्मेशन है इंडेक्स में, तो यहाँ मिडिल चैनल है अभी, लोअर बैंड का जो सपोर्ट है क्लोज एट अराउंड 10,360 वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्लोज टू अराउंड 10,550-600 ये आपका टारगेट एरिया होगा। अच्छा, तो स्टॉक कौन सा ट्रैक कर रहे हैं? देखिए, स्टॉक्स में एक्साइज इंडस्ट्री में काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है मेरे हिसाब से, अभी तक इसमें मूव बाकी है और स्टॉप लॉस काफी छोटा बन रहा है करंट लेवल से, तो 204 के एक स्टॉप लॉस के साथ 220 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया। शुक्रिया, 205 का स्टॉप लॉस एक्साइज पे, 220 का टारगेट रेलिगेयर सिक्योरिटीज के रडार पर है। प्रदीप हॉटचंदानी साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप जी नमस्कार, निफ्टी पे राय दें और एक स्टॉक जिस पे आपकी राय पॉजिटिव हो। शुक्रिया रजत। 9930 से जिससे हम निफ्टी पे पॉजिटिव हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं, पर एक महीने में करीबन 750 पॉइंट निफ्टी बढ़ चुका है और
एकदम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 10,450 का लेवल है, वो एक डबल टॉप भी बन रहा है, कल का भी टॉप वही था और आज का भी टॉप वही पे है। इसलिए मेरी कंडीशनल रिकमेंडेशन है कि 10,450 के ऊपर जाता है फिर ही एक फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, उसके 10,550 का नेक्स्ट टारगेट आ सकता है, तो फॉर द टाइम में एक कंसोलिडेशन थोड़ा सा करेक्शन का फेज आ सकता है, तो 10,450 का क्रॉस होने का वेट करना चाहिए निफ्टी के लिए। स्टॉक की अगर बात करें तो चोलामंडलम फाइनेंस के शेयर में कल के सेशन में अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया था, ना ही केवल डेली चार्ट से बल्कि वीकली चार्ट से भी ये अच्छा लग रहा है, तो इवेंचुअली हम इसमें थोड़ा सा टारगेट देखते हैं और शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अच्छी तेजी दिखा सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1200 का और 1320 का टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना है। ये एनबीएफसी पॉकेट एक्टिव है इनफैक्ट आज, ठीक है। चोला इन्वेस्टमेंट आपकी राय है 1320 और 1200 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, टारगेट 1320 का। ये जो बात हो रही थी अभी चोला इन्वेस्टमेंट पे, ये तो तेज है ही, और दीवान हाउसिंग इस स्टॉक पे लोअर लेवल से खरीदारी है, साथ साथ श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस स्टॉक में लोअर लेवल पे खरीदारी है। तो ये तमाम स्टॉक्स दिन के उच्चतम स्तर पे चले गए, अच्छी तेजी इन स्टॉक्स पे देखने को मिल रही है। मेरे साथ अब बाजार पे बात करने के लिए पुष्कराज कनेटकर साहब मौजूद हैं। पुष्कराज नमस्कार, बताएं निफ्टी पे तेजी बढ़ेगी या फिर आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है अब हम 10,400 के लेवल के नीचे जाने को तैयारी कर रहे हैं? जी, ओवरऑल जो प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग ही है, जो एक 350 की लेवल से बाजार ने एक अपमूव दिखाई है कल के सेशन में, लग रहा है कि अभी भी जारी रहेगी। तो इनफैक्ट 10,380 के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 10,520 तक की लेवल आती हुई दिखाई दे रही है। आई वुड प्ले बुलिश ऑन द मार्केट। अच्छा, और स्टॉक कौन सा चूज किया हुआ आपने? स्टॉक फिलहाल सन फार्मा में एक बुलिशनेस काफी दिनों के बाद दिखाई दी है, जो एक 560 का रुकावट थी वो कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में आगे निकल के आई है, तो मैं सन फार्मा खरीदने की सलाह दूंगा। नीचे की तरफ 557 रुपए का इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 575 से 580 ट्रेड जाने की उम्मीद है। चलिए शुक्रिया सर। फार्मा सेक्टर तो वैसे ही आज सबसे प्रेफर्ड सेक्टर है, डेविस लैब्स की जो खबर है उसके बाद पूरे इस सेक्टर का जो है वो मूड बदल गया। सन फार्मा तेज हो सकता है, चोला फाइनेंस एक और स्टॉक जो तेज हो सकता है, और एक है एक्साइड। इन तमाम स्टॉक्स में तेजी की कॉल्स आई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है अगर बाजार में कुछ रिवर्सल मिले तो यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए। लेकिन टेक महिंद्रा के नतीजों के बाद ये जो स्टॉक है ये 4% लुढ़क गया। आईटी सेक्टर में उतनी ज्यादा बिकवाली है नहीं, वैसे टेक महिंद्रा हायर लेवल्स पे आज स्लिप करता हुआ नजर आ रहा है। नतीजे आए थे उनका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज भट्ट साहब, डिप्टी CFO टेक महिंद्रा के। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। मुनाफे में 4.8% की ग्रोथ देखने को मिली है सर, ये US क्लाइंट स्पेंडिंग के मोर्चे पे क्या आपको लगता है कि तिमाही में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है और आने वाली तिमाही के लिए क्या आउटलुक है कंपनी का? अगर US देखें तो आप पहले तो इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, ऊपर से जो क्लाइंट से डिमांड आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। कोई सेक्टर्स है जिसमें कभी कोई क्वार्टर ऊपर कोई क्वार्टर नीचे, ये तो बिजनेस का पार्ट है, बट मैं तो काफ़ी बुलिश हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम US में भी ग्रोथ आएगा इंडस्ट्री के लिए और हमारे लिए भी। इन बिटवीन कभी कभी कोई क्वार्टर में कभी ये वर्टिकल में या वो कस्टमर में देर विल बी ऑलवेज डिफरेंसेस, पर आई पर्सनली थिंक दैट ये तो काफ़ी ठीक चलेगा US आगे जाके भी। अच्छा सर, ये बोर्ड ने सॉफ्टजेन के साथ मर्जर को अप्रूवल दे दी है, क्या रैशनल है इस मूव का और दूसरा ये डील कब तक कंप्लीट होगी? नहीं नहीं, ये तो हमारा अगेन ये एफिशिएंसी मेजर है, ये 100% सब्सिडरी है हमारा। ओके, तो हम अपने आप से मर्ज कर रहे हैं सो दैट हमारा जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर में है वो थोड़ा कम हो, तो ये तो इंटरनल मर्जर है, इट्स नॉट रियली एनी इवेंट जो जिससे कोई मार्केट न्यूज़ हो, बिकॉज इट इज़ जस्ट इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, नतीजे में ना ये मार्जिन पिक्चर थोड़े इंप्रूव होती हुई नजर आए, हम ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे थे उसके भी आधार पर मार्जिन और सुधर भी सकते हैं, पर ये क्रॉस करेंसी का कितना इम्पैक्ट देखने को मिला है इस बारी के रिजल्ट्स में? अगर क्रॉस करेंसी देखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट जो आया है वो रेवेन्यू पे आया है, रेवेन्यू क्रॉस करेंसी बेनिफिट जो है अबाउट 1.2% है। मार्जिन पे करेंसी का इम्पैक्ट बहुत छोटा है, 0.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो एज आई मेंशन्ड पहले भी कि मोस्ट ऑफ द मार्जिन इम्प्रूवमेंट हैज कम फ्रॉम एफिशिएंसी बेनिफिट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर।
सर बहुत शुक्रिया नतीजों पर बात करने के लिए, जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। 4% की गिरावट है आज टेक महिंद्रा में, हालांकि ब्रोकिंग हाउसेस ने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया था हायर एंड पे।